जनपद सोनभद्र के पीपरी कोतवाली थाना प्रभारी अंजनी राय जी का नगरवासियों एवं व्यापार मंडल पीपरी के अध्यक्ष प्रमोद जायसवाल जी ने भव्य स्वागत किया एवं पीपरी के सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर थाना प्रभारी अंजनी राय जी ने कहा है कि नगर में शांति व्यवस्था कायम रहेगी, अपराधियों पर अंकुश लगेगा। मन चले युवा तेज रफ्तार में नगर में बाइक चलाते हैं, उन पर कंट्रोल किया जाएगा। नाम क्या है? प्रमोद कुमार जायसवाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष पिपरी। मैं आज हमारे भाजपा के मित्र मंडली पदाधिकारी गण सभी लोग आकर नए आने पे पिपरी पे इनका स्वागत किया गया है। इनसे कानून व्यवस्था को एकदम टाइट रखने के लिए कि सभी के साथ न्याय मिले, किस कोई को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, यही सब इनसे जो है कहा गया है कि ये अपने पूरे मतलब किसी भी पावर का दुरुपयोग भी न करें, मतलब आप सही निर्णय लें। सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की नीतियों का अक्षरशः पालन कराने का प्रयास मेरे द्वारा कराया जाएगा। जो हमारे कर्मचारी हैं, सभी कर्मचारियों को बुला करके उनसे हमने एक मीटिंग ले ली है और सबको बता दिया है। कानून व्यवस्था में किसी तरह की कोई समझौता नहीं है। अपराधियों के साथ मैं कभी कोई समझौता नहीं करता, मेरी एक आदत है। और मैं जनता से भी ये मतलब प्रार्थना करता हूँ कि वो हमसे मिलजुल करके, मतलब हम लोगों का ये प्रयास हो कि क्या नाम है, जनता की जो वाजिब समस्या है उस समस्या का हम लोग निराकरण करें और सही काम, गलत के पक्ष में मैं कभी नहीं रहता, सही काम। सर, नए युवक के लड़के आजकल बाइक कितनी स्पीड चला रहे हैं, जो रेणुकूट में ये देखा जा रहा है कितनी तेज बाइक चला रही है, जिससे आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, इस पे क्या कोई कंट्रोल करेंगे आप? अब इसके लिए प्रयास किया जाएगा जनता के माध्यम से और स्वयं, जिसे हम लोग चेकिंग वेकिंग लगाते हैं, लोगों को समझाते हैं, बताते हैं। इसमें जन सहयोग की आवश्यकता है। अगर गार्जियन इसमें सहयोग नहीं करेंगे, भाई उनके बच्चे हैं निकल रहे हैं 24 घंटे खड़ा होकर के, पुलिस तो देखेगी नहीं 24 घंटे, हम नहीं ना उसको कंट्रोल कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो इसमें जो है जन सहयोग की भी ज़रूरत है, लोगों को जागरूक करने की इसमें आवश्यकता है। अब घर परिवार वाले अपने बच्चों को कंट्रोल करेंगे तो वो बेहतर होगा। फिलहाल मान लीजिए हम लोग तो प्रयास करते ही हैं और करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें प्रयास किया जाएगा। सर, आप जहाँ भी रहे वहाँ कानून चुस्त दुरुस्त रहे, क्या यहाँ भी यही ऐसा ही रहेगा? बिल्कुल, प्रयास तो यही रहेगा। और आप लोगों से मैं यही प्रार्थना करें कि भाई आप लोग भी इसमें सहयोग करें